brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर, आपने मूल्यांकन किया था उस मैदान पर दलित समाज के लोग जो है वो हम है उसको खोया था कल। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है, बिहार को आज तक पिछड़ा बना दिया। पहले यादव ने कल कहा है कि भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे, तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता कम से कम साथ में नहीं देगी।